Rafi Aslam, and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafi Aslam. और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के कदीम तरीन शहर में. आई एम इन साहिवाल, जिसको किसी दौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता था. और आज हम क्या करेंगे कि आज हम मिल के जो साहिवाल के इम्पॉर्टेंट जगह हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, हिस्टोरिकल जगह ख़ास तौर पे. सो एक तो उनको एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ चूँकि जो साहिवाल है वो अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से फेमस है, सो आई 100% ट्राई कि हम यहाँ पे जिस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी आपको दिखा सकें. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस अमेजिंग एंड हिस्टोरिकल सिटी. खासियत ये है कि यहाँ पे इसके दोनों किनारों पे दो दरियाएँ हैं, एक तो दरियाए रावी और दूसरा दरियाए सतलुज है. और एक और ख़ास बात जिसकी वजह से साहिवाल मशहूर है वो यहाँ की डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो चीज़ हो, पनीर हो, मक्खन हो. तो बेसिकली साहिवाल इन चीज़ों की वजह से भी मशहूर है. अब मक्खन चाहे आप अगर साग में इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक बड़ा मुख्तलिफ सा टेस्ट होगा, अगर आप टोस्ट पे पराठे पे इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है एक मुख्तलिफ टेस्ट होगा, अगर आप इसको कढ़ाई में या किसी और सालन में इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ टेस्ट होगा. बेसिकली मक्खन यहाँ का बहुत मशहूर है और इट इज़ सो यम एज वेल, जो कि मुझे पता है. सो चूंकि मक्खन मशहूर है, डेयरी प्रोडक्ट्स मशहूर हैं, सो वी गोना ट्राई इट आउट एज वेल कि हम कोशिश करेंगे कि आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स जहाँ पे बन रही होती हैं जिस तरीके से वो भी आपको आज मैं दिखाऊँ. सो वी गोना गो दैट एज वेल. और उसके अलावा जो है देयर इज़ अ मॉन्यूमेंट, चूँकि ये एक एंशिएंट सिटी है तो पहले क्या करते हैं कि यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपको वो दिखा देते हैं और उसके बाद जो है ना हम जाते हैं आगे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए. वी गोना गो देयर और फिर आपको वो भी दिखा दूँगी. तो सब यहाँ पे फिलहाल एक यादगार मॉन्यूमेंट है, वहाँ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है. लेट्स गो. अच्छा, 1865 से पहले साहिवाल का नाम साहिवाल ही था, लेकिन 1865 में सर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के नाम से इसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया और फिर इसका नाम रख दिया गया मॉन्टगोमरी. और फिर 100 साल तक यही नाम रहा और फिर क्या हुआ कि 14 नवंबर 1966 में इसका नाम वापस तब्दील किया गया और साहिवाल रखा गया. इसी खुशी में यहाँ के अवाम ने मुतालबा किया इस मॉन्यूमेंट का और फिर ये मॉन्यूमेंट बनाया गया. और ये मॉन्यूमेंट अगर आप इसका पूरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट देखें तो ये उन बरादरियों और कौमों के बेसिकली निशानदेही करता है जो कि इससे पहले यहाँ पे खाना बदोशों के जैसे यहाँ पे रह रही थी. मेहराबे साहिवाल भी कहते हैं और उसको मेहराबे साहिवाल कहने की वजह ये है कि ये मॉन्यूमेंट उन शहदा की याद में भी बनाया गया था जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में और 1965 की जंग में हिस्सा लिया था और अपनी जानें कुर्बान की थी और उनका ताल्लुक साहिवाल से था.
तो ये था मॉन्यूमेंट जो कि मैंने आपको भी दिखाया, तो भी आगे चलते और चल के कुछ और देखें। यागर मॉन्यूमेंट के साथ ही बिल्कुल एक चर्च है एंड सेम्बरी सेट के, अगर आप साहिवाल जा रही हैं ना तो चर्च लाजमी देखिएगा। सो आई थॉट कि पहले अब करीब ही है तो पहले वो चर्च देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो लेट्स गो एंड सी दैट चर्च। साहिवाल एक हिस्टोरिकल सिटी है और यहाँ पे आपको जितनी भी ख़ास इमारतें मिलेंगी वो तकरीबन कई सौ साल पुरानी होंगी। और ये जो चर्च जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये भी 150 साल पुराना है। सेंट पैट्रिक इसका नाम है और इसको बेसिकली ब्रिटिश दौर में, ब्रिटिश एरा में उनके जो बेसिकली सिपाही थे उनके लिए बनाया गया था। इससे पहले जो चर्च इनफैक्ट आपको पीछे नज़र आ रहा होगा बाउंड्री से एक बनी, इनफैक्ट यही बाउंड्री जिसमें मैं इस वक्त मौजूद है, इससे जो पिछला हिस्सा है चर्च का वो बनाया गया था बहुत पहले और वो लकड़ी का था। और उसके बाद 1980 में इसको रीबिल्ड किया गया और इसका जो बाकी का हिस्सा है वो बनाया गया और फिर इसको एक प्रॉपर चर्च की जो शक्ल है वो दी गई। की जा रही है तो बेसिकली लाहौर मशहूर है कि वहाँ पे एक कैनाल मौजूद है, उसके बाद फिर फैसलाबाद और अब बेसिकली साहिवाल मेरे बिल्कुल राइट साइड पे कैनाल मौजूद है। और लाहौर में तो क्या हुआ कि कैनाल के साथ कैनाल रोड बना दी गई है, लेकिन यहाँ पे कैनाल है और कैनाल के दूसरी तरफ है एक रेलवे स्टेशन और इस तरफ बेसिकली खाली जगह थी। तो हुआ क्या कि 1965 में डिसाइड किया गया कि जो खाली जगह है ना इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो यूटिलाइज़ बड़े अच्छे तरीके से किया गया। आप देखें कि यहाँ पे एक पार्क बना दिया गया जिसका नाम है कैनाल पार्क और इस पार्क में काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि बेसिकली सोचा तो गया था 1965 में, लेकिन इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 1966
1947 में। और अभी इस पार्क में काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं रिक्रिएशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, झूले भी मौजूद हैं, कैफेटेरिया, बाकी जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक झील भी है जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल झील है, खुद बनाई गई है। तो काफ़ी मज़े की चीज़ें यहाँ पे हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये रोड है जिस पर मैं चल रही हूँ, तो मैंने कहा इतनी खुली रोड है तो राधा देन के मैं पार्क में पैदल चलूँ, तो वाई नॉट यूजिंग दिस थिंग। और इसीलिए मैं बाइक पे, एक तो मैंने कहा ऐसे ही बाइक पे रास्ता भी थोड़ा कवर हो जाएगा और दूसरा मैं आपको ये रास्ता दिखा भी दूंगी कि कितनी बड़ी ये रोड बनी हुई है किनान पार्क की, यहीं पे किनाल के साथ। तो अभी आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि पार्क कितना बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा जू भी बनाया गया। जी बिल्कुल सुनाने फिर। अल्लाह जग तू सोना यार दिता है, मैं ओदा रोज दीदार करे ना, ओ भी जिंद कुर्बान करेंदा है, ओए मैं भी रज के प्यार करें, ओ ठर वेंदा है जिगार तहा मेडा, ओ जदों अखियां चार करेना, सीटा कार दिया ओ दिल नु सकून आंदा ए, ओए गल्ला सुन के यार दिया, ओ मैं भी सरकी मेरा डोला सरकी, ओ मैं भी सरकी मेरा डोला सरकी, सच्चा करेंदा ए मैनू प्यार नी, वेखा जो ओनू मेरी ठर दिया अखियां,
वेखा जो ओनू मेरी ठर दिया अखिया दुनिया तो सोना मेरा यार नी ओ मैं भी सरकी मेरा डोला सरकी ओ वसे पैरो ही नाले रोही देवासी ओ वसे पैरो ही नाले रोही देवासी छेड़ू चरेंदे बंदे मालनी जख्मी है मेरा मैं ते जख्मी दी होई जख्मी है मेरा मैं ते जख्मी दी होई जिंदगी ना बेसायो दे नालनी ओ मैं भी सरकी मेरा डोला सरकी ओ मैं भी सरकी मेरा डोला सरकी अच्छा साहिवल एक है तो हिस्टोरिकल सिटी लेकिन यहाँ पे जदीद दौर के हवाले से भी बहुत सारी खूबसूरत जगह मौजूद हैं। स्पेसिफिकली ये रिजॉर्ट आयरिस इको रिजॉर्ट जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहुत खूबसूरत जगह है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज मेजरली इट्स काइंड ऑफ अ रिक्रिएशनल स्पॉट। आप यहाँ पे आ सकते हैं विद योर फैमिली प्लस इट हैज़ अ लॉट मोर। यहाँ पे इवन होटल्स मौजूद हैं, यहाँ पे इवन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे इवेंट हॉल्स मौजूद हैं। ग्रोसरी के लिए एक स्पेस स्पेसिफिकली जो है वो मुख्तस की गई है। उसके अलावा यहाँ पे इवन शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जू है और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक साथ आपको कह लें कि पूरे का पूरा शहर जो है हर चीज़ के हवाले से यहाँ पे मिलता है। सो भी आगे चलते हो चल के इस जगह को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि जू कहाँ पे, बिकॉज आई एम स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर दोज एनिमल्स जो कि यहाँ पे मौजूद है। लेट्स गो। यहाँ पे जो ज़्यादातर दरख्त और पौधे मौजूद हैं वो बेसिकली इम्पोर्ट कराए गए हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। ना सिर्फ यहाँ पे पौधे और दरख्त वगैरह हैं, इनफैक्ट यू कुड सी इट बाय बैक एज़ वेल, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्मों के यहाँ पे जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि इसका नाम ही है आयरिस इको रिजॉर्ट, सो बेसिकली एक इकोसिस्टम को मेंटेन किया गया बड़े अच्छे तरीके से और जू भी एक्चुअली यहाँ पे, एंड इट्स काइंड ऑफ अ रिक्रिएशनल स्पॉट। यू कुड कम एंजॉय सेट और इनफैक्ट पिकनिक स्पॉट भी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पे पिकनिक भी मना सकते हैं। अच्छा ये रिजॉर्ट बनाया क्यों गया है? बेसिकली यहाँ पे मौजूद है हड़प्पा वादी सिंध की तहजीब जो कि एक मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एक और टूरिज्म स्पॉट एक मॉडर्न वे में बनाया गया ताकि लोगों को सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सके। जैसे अगर कोई बाहर से आता है, पाकिस्तान से बाहर से भी और जनरली भी साहिवाल के बाहर से भी, तो उनके लिए आसान होगा। इवन एयरपोर्ट से आपको यहाँ तक आने की भी फैसिलिटी दी जाती है, आगे फिर हड़प्पा लेके जाने तक की भी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव यहाँ के टूरिज्म को, पाकिस्तान के टूरिज्म को एक तो प्रमोट करने के लिए और जनरली भी कि हम जो अपनी एक इतनी पुरानी तहजीब है उसको भी लोगों को दिखा सके, उसके लिए दैट्स अ ह्यूज इनिशिएटिव। और मुझे तो बहुत मज़ा आया इस रिजॉर्ट में, तो अभी आगे चलते हैं। आगे चल के वी हैव समथिंग एल्स फॉर यू इन साहिवल एज वेल, चल के आपको मैं वो दिखाती हूँ। लेट्स गो।
मैं इस वक्त साहिवाल क्लब में मौजूद हूँ, तो आई थॉट आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने साहिवाल आना है तो डेफिनेटली आपने कहीं रहना तो है। तो मेरे साथ इस वक्त मियाँ अंजुम हबीब साहब मौजूद हैं, जो कि साहिवाल क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनसे पूछते हैं क्लब के हवाले से, सो दैट आपको थोड़ा सा मजीद अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए व्हेन एवर यू विल बी कमिंग टू साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मुझे क्लब की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये साहिवाल क्लब 108 साल पुराना क्लब। अच्छा। ये 1914 में बना था क्लब, शहर के बीचों बीच 15 एकड़ इसका जो है एरिया है। अच्छा। इट्स ऑल लश ग्रीन, लॉट ऑफ फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स और वेल मेंटेन्ड, और लोग साहिवाल के लोगों के लिए ये एक बहुत कह लें कि नेमत है, इट्स अ ब्लेसिंग कि इतना अच्छा क्लब और पंजाब के ख़ास तौर पे ये पुराने तरीन क्लब्स में है, जहाँ बहुत सारी इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज। सर थोड़ा सा फिर फैसिलिटीज के हवाले से बताते चले सबको। हमारे यहाँ टेनिस है, 10 ग्रासी लॉन है। अच्छा जी। और एक जो है सीमेंटेड कोर्ट है। ठीक है। तो ग्रासी लॉन मेंटेन करना, पाकिस्तान में बहुत कम क्लब्स में ग्रासी लॉन मिलेंगे, और मेरा तो क्लेम है कि आर लॉन्स आर द बेस्ट मेंटेन्ड लॉन्स इन पंजाब, कि आपको लाहौर में या इस्लामाबाद में भी इतने अच्छे ग्रासी लॉन नहीं मिलेंगे। वी आर मेंटेनिंग दैट ट्रेडिशन, बड़ी मेहनत करते हैं उस पर। और टेनिस भी अगर देखी जाए कि पंजाब में क्लब लेवल की टेनिस में साहिवाल में हमेशा से बड़ी अच्छी टेनिस रही है। अच्छा। और टेनिस के अलावा हमारे पास बैडमिंटन है इंडोर, और स्कॉश है, स्कॉश कोर्ट बल्कि हम नया बना रहे हैं, बड़ा अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह बनेगा। और टेबल टेनिस है, हमारे पास 1 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक या वॉकिंग ट्रैक है, लॉन्स हैं खेलने के लिए, हमने बच्चों के या फन क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड है। अच्छा। फुटबॉल भी है, स्विमिंग पूल है हमारा, और हमारे स्विमिंग पूल की स्पेशलिटी ये है के द ओनली पूल इन पाकिस्तान के जिसका 100% पानी रोजाना चेंज किया जाता है। अच्छा, वाह। नॉर्मली क्लब्स में या कहीं भी होटल्स वगैरह में, बड़े होटल्स में जहाँ स्विमिंग पूल होते हैं, तो वहाँ तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह लगा के साल साल दो दो साल एक ही पानी चलाया जाता है, लेकिन हम डेली फ्रेश वाटर जो है वो उसका फिल करते हैं उसको, और 100% चेंज करते हैं। तो इसके अलावा क्लब में बैठने के लिए बिलियर्ड्स है, खेलने के लिए स्क्वाश, टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, नेमल फैसिलिटी। एक गोल्फ नहीं है हमारे पास, वो यहाँ चूंकि खेलने वाला कोई नहीं, अदरवाइज सारी फैसिलिटीज हैं। व्हाट एल्स यू नीड ऑब्वियसली? असल अगर कोई बाहर से आता है, यानी कि साहिवाल के बाहर से, तो उनके लिए क्या रहने के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ताकि उनको मेजर ये एक प्रॉब्लम होता है जब भी कोई शहर से बाहर आए तो उनके लिए वो भी आसान रहे। हाँ, हमारे पास गेस्ट हाउस है। जी जी। जिसमें 8 सुइट हैं, और बड़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई शोर, कोई पोल्यूशन, ना नॉइज़ पोल्यूशन है ना एयर पोल्यूशन है, वो मिलती है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दूसरे गेस्ट हाउसेज या होटल से जो कह लें कि मुनफरिद है हमारे यहाँ, वो ये कि वी ऑफर ऑल क्लब फैसिलिटीज टू आर गेस्ट्स। अच्छा। कि वो जो गेस्ट हमारे पास ठहरता है वो स्विमिंग करना चाहे, वो टेनिस खेलना चाहे, वो बैडमिंटन खेलना चाहे, वॉक करना चाहे, द क्लब इज हिज। अच्छा, तो जैसे चाहे क्लब को एंजॉय कर सकते हैं। कॉमनली वैसे ऐसे नहीं होता है कि अगर गेस्ट आना, ऐसे नहीं होता है। अगर जब सिर्फ गेस्ट आ रहे हैं तो जस्ट वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज उनको अपने फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो है ये फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड। अच्छा, सही होगा। सर मुझे साहिवाल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि अगर कोई साहिवाल आना चाहता है तो क्या खास रीजन है ऐसी कि वो साहिवाल आके विजिट करें, क्योंकि आपका शहर है, आप रहते हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हिस्टोरिकली साहिवाल जो है ना जी, ये अगर इसको पाकिस्तान में या इस बल्कि सब कॉन्टिनेंट में या दुनिया में, मैं कहता हूँ कि सबसे जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पाई सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो हड़प्पाइज इन साहिवाल जा सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो वो है जी। उसके बाद ये कि साहिवाल इज़ अ वेरी ग्रीन सिटी,
एग्रीकल्चर डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा पोटैटो, मेज, वीट, ये मेन क्रॉप्स हैं हमारी, वो साहिवाल में पैदा की जाती हैं। और सबसे बढ़कर वावाल साहिवाल के लोग बहुत अच्छे हैं। That's really nice. इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा, आगे पता चलेगा आपको। जी बिल्कुल, आई से एवरीबडी मस्ट एक्सपीरियंस साहिवाल। हाँ, एब्सोल्युटली, आई से दैट एज वेल। पूरा दिन यहाँ पे रहने के बाद में आई हैव द सेम थॉट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से बताने के लिए। मक्खनी कढ़ाई एक ऐसी डिश है जो कि पूरे पाकिस्तान में बनाई जाती है, बल्कि हर घर में स्पेशली बनाई जाती है, खासतौर पर जब कोई मेहमान आता है। लेकिन डू यू नो दैट साहिवाल वो जगह है जहाँ से इस डिश का आगाज़ हुआ था, और मैं इस वक्त उसी रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जिसका नाम है बुलबुल रेस्टोरेंट। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ से मक्खनी कढ़ाई का ओरिजिन है। सो दैट आई कुड टेल यू कि बेसिकली मक्खनी कढ़ाई आई कहाँ से है, तो मेरे साथ इस वक्त तंजीलुर रहमान मौजूद हैं जो कि इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो उनसे चल के पूछते हैं मक्खनी कढ़ाई की जो हिस्ट्री है ना उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो आप मुझे रेस्टोरेंट की हिस्ट्री बताएं ना कि ये कितना पुराना है। ये 1914 से चल रहा है। अच्छा, 1914 से चल रहा है। और ये मखनी डिश भी तभी से चल रही है? नहीं, पहले ये सादा होटल था, उसके बाद ये सन 1980-70 के राउंड बोर्ड हुआ है। अच्छा अच्छा। मखन से आई है हमारी, यानी कि मेरे चाचू हैं हाजी आशिक, तो उन्होंने रेसिपी है, उनकी रेसिपी है। आपके चाचू की रेसिपी है? पहले वो खुद यानी कि कढ़ाइयाँ वगैरह बनाते थे। अच्छा। उसके बाद अब से गीत काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बेसिकली आइडिया कहाँ से आया? ये साहिवाल शहर दूध मक्खन दही वगैरह के साथ से मशहूर है, इसकी वजह से मक्खन वाली कढ़ाई यहाँ पे तैयार। अच्छा, नाइस, बनता है, लॉजिक बनता है। अच्छा, मुझे बताएं, चूँकि ये काफ़ी एक फेमस जगह है, साहिवाल में जितने रहने वाले हैं, जितने आते हैं साहिवाल से, इस जगह का खाने के वाले से लाजमी नाम देते हैं। जी जी। तो मुझे बताएं कि बेसिकली दो होटल है, ये पुराना होटल है। अच्छा। अब हम लोगों ने नया होटल भी बनाया है, वो चौक पाकपतन में है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि लोगों का क्या रिस्पांस होता है जब वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये बेसिकली जगह है जहाँ से मक्खनी कढ़ाई शुरू। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त हमारी कढ़ाई पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी हम लोग पार्सल करवा रहे हैं। अच्छा, बाहर पार्सल कराते हैं? जी जी। सही पहुँच जाती है? हाँ जी, पैक करके देते। वाह वाह वाह, बेहतरीन है। तो डेफिनेटली फिर मुझे भी खिलाएंगे कढ़ाई आप? खाऊंगी, मैं क्यों नहीं खाऊंगी, मैं तो डेफिनेटली ट्राई करूंगी। अच्छा, मेरा ऑर्डर भी एक्चुअली रेडी हो गया, तो अंदर चल के बैठते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कढ़ाई कैसी बनी है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरी तो मक्खनी कढ़ाई आ गई है भाई, और अभी मैं इसको टेस्ट करूंगी और बताऊंगी कि कैसी है। आई बेट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहीं की तो एक्चुअली मक्खनी कढ़ाई जो है वो फेमस है। लेट्स सी हाउ इज इट। दिस इज सो गुड, बहुत मजे की है। इसमें ना बाकायदा मक्खन का टेस्ट आ रहा है, और जैसे आपके टेस्ट बड बहुत कुछ नहीं हो जाते उनको, बट बहुत अच्छी चीज़ मिलती है जस्ट लाइक दैट। बहुत मज़े की है। आई एम गोना ईट इट, क्योंकि सुबह की चूँकि टाइम नहीं मिला मुझे कहीं पर भी रुक के प्रॉपरली खाना खाने का, सो अभी खाना खाऊँगी। और साहिवाल जो है, यू गाइज डेफिनेटली विजिट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत जगह है, हड़प्पा है डेफिनेटली, उसके अलावा और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह हैं। जब भी आप साहिवाल आएँ, यहाँ की बुलबुल रेस्टोरेंट की मखनी कढ़ाई जो है लाजमी खाइएगा, बहुत मज़े की है। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो रही होगी अगले एपिसोड में एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान प्लस, डेफिनेटली कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद लाफ फैसल। अल्लाह हाफिज़। आई एम गोना हैव द फूड नाउ।